समस्थानिक, संभारिक और समन्युत्क्रामी। आइए इनके बारे में समझें ये क्या है। समस्थानिक को अंग्रेजी में आइसोटोप्स कहते हैं, समभारिक को अंग्रेजी में आइसोबार्स कहते हैं, समन्युत्क्रामी को अंग्रेजी में आइसोटोन्स कहते हैं। समस्थानिक क्या है? सम माने समान, स्थानिक माने स्थान वाले। पीरियाडिक टेबल में, आवर्त सारणी में एक ही तत्व के जितने समस्थानिक हैं सबको एक ही स्थान पर रखा गया, समान स्थान। तो समस्थानिक है क्या? एक तत्व के या किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु, तत्व एक ही रहेगा, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर समान होते हैं किंतु परमाणु भार एटॉमिक वेट भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एक तत्व है। हाइड्रोजन पीरियाडिक टेबल में आप देखिए पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक तत्व है। हाइड्रोजन तत्व के तीन समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम को 1p1 या 1h1 से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार 1h1 या इसको ऐसे लिखते हैं h1। ड्यूटेरियम 1h2 या h2। ट्राइटियम 1h3 या h3। ये प्रोटियम है, इसको हल्का हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हल्का हाइड्रोजन, लाइट हाइड्रोजन। यह 1H1 ऐसा समस्थानिक है कि इसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। यही केवल ऐसा है पूरे तत्वों में, 118 तत्व हैं उन, और हर तत्व के ज्यादातर अधिकतर तत्वों के समस्थानिक हैं, सब में केवल यही एक ऐसा अद्भुत तत्व है 1H1 समस्थानिक है जिसके नाभिक में क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन नहीं होता। 1H2 के नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। 1H3 के नाभिक में एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, लेकिन 1H1 के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। प्रोटियम को 1p1 भी लिखते हैं, ड्यूटेरियम को 1b2, ट्राइटियम को 1t3
लिखते हैं। ड्यूटेरियम 1s2 भी है, 1d2 भी है। इसको भारी हाइड्रोजन कहते हैं। 1h1 को हल्का हाइड्रोजन, 1s2 को भारी हाइड्रोजन कहते हैं, हैवी हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन के ये तीन समस्थानिक हुए। इनमें आप नीचे देखिए, परमाणु क्रमांक नीचे वाला बताता है तीनों में समान है, एक एक एक। और परमाणु भार देखिए, या इसको द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, 1, 2, 3 भिन्न भिन्न है। ये तीनों किसके समस्थानिक है? हाइड्रोजन। इसी प्रकार ऑक्सीजन के तीन समस्थानिक हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। ये ऑक्सीजन के तीन समस्थानिक हैं। इसी प्रकार क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। ये क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं। समस्थानिक की विशेषता क्या होती है? समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। समस्थानिकों के, ये जो समस्थानिक होते हैं, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं समान होती हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। आइए बात करते हैं समभारिक। समभारिक क्या है? भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? समभारी। जैसे 1H3 ले लें और 2HE3 ले लें। इनमें देखिए परमाणु क्रमांक इनके भिन्न भिन्न हैं, 1 और 2, लेकिन परमाणु भार समान है। तो 1H3 और 2HE3 ये दोनों संभारिक हैं। संभारिक क्या है? भिन्न भिन्न ये तत्व भी भिन्न भिन्न हुए। ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। समन्यूट्रॉनिक क्या है? भिन्न 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 तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, क्या समान होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती, समन्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे 1H3 लिए और 2HE4 ले लो, 2HE4। अब इस 1H3 में कई न्यूट्रॉन हैं, तो कैसे आया? 3 में से 1 घटा दो। 1H3 में 2 न्यूट्रॉन और 2HE4 में, इसमें भी 2 न्यूट्रॉन होंगे, 4 में से 2 घटा दीजिए, तो 2 न्यूट्रॉन। तो 1H3 और 2HE4 ये दोनों क्या हैं? समन्यूट्रॉनिक हैं। इसी प्रकार सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर 14, 15, 16, 32, 33, 30। आप इसमें देखें
इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, परमाणु भार भिन्न भिन्न है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या इन तीनों में देखिए समान है। 30 में 14 घटाइए 16, 31 में 15 घटाइए 16 आ रहा है, 32 में 16 घटाइए 16। तो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये तीनों क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? समस्थानिक में क्या था? परमाणु क्रमांक समान था, परमाणु भार भिन्न था। संभारिक में परमाणु भार समान था, परमाणु क्रमांक भिन्न था। लेकिन सम न्यूट्रॉनिक में परमाणु क्रमांक भी भिन्न था, परमाणु भार भी भिन्न था, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान। न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दें, घटा दीजिए, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। 30 में से 14 घटाएं तो 16 आएगा। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, मास, इसको मास नंबर भी कहते हैं, परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या इसकी 30 है, 30 में से 14 घटाइए 16, 31 में से 15 घटाइए 16, 32 में से 16 घटाइए 16। सिलिकॉन में कितने न्यूट्रॉन हैं? 16 न्यूट्रॉन। फास्फोरस में 16 न्यूट्रॉन, सल्फर में 16 न्यूट्रॉन। तो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये तीनों क्या हैं? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक मींस न्यूट्रॉनों की संख्या समान, 16 16 16। दूसरा उदाहरण यहां दिया था, 1s3 2he4। इसमें परमाणु भार कई है? 3। परमाणु क्रमांक 1, 3 में से 1 घटाइए 2। यहां परमाणु भार 4, परमाणु क्रमांक 2, 4 में से 2 घटाइए 2 2 2। तो इसमें 1s3 में कई न्यूट्रॉन? 2 न्यूट्रॉन। 2he4 में कई न्यूट्रॉन? 2 न्यूट्रॉन। तो क्या 1s3 और 2he4 सम न्यूट्रॉनिक हैं? कहेंगे हाँ, सम न्यूट्रॉनिक हैं, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान। संभारित के लिए हमने अभी क्या उदाहरण लिया था? 1s3 एंड 2he3। इसमें क्या समान है भाई? परमाणु भार समान है। संभारित आइसोबार, समस्थानिक को अंग्रेजी में आइसो माने इक्वल, टॉप्स माने प्लेस, इक्वल प्लेस, इक्वल प्लेस माने समान स्थान, यानी आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर जो रखे जाएंगे वो समस्थानिक हुए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे, तीनों कहां रखे गए थे? पहले ही वर्ग में है, पहले आवर्त, पहले वर्ग, फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट ग्रुप। सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर बाईं ओर हाइड्रोजन एकदम ऊपर है विराजमान। यहां पर हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक हैं, कौन कौन? 1s1, 1s2, 1s3, 1s1, 1s2, 1s3। 1s1 को h1, h1 भी कहते हैं, 1s2 को h2 कहते हैं, 1s3 को h3 कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। प्रोटियम माने 1h1,
इसको 1p 1b का ड्यूटेरियम, 1d2 या 1h2 ट्राइटियम, 1t3 या 1s3 प्रोटियम को हल्का हाइड्रोजन, लाइट हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन। अब देखो भारी जल का सूत्र क्या है, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और हल्के जल का सूत्र क्या है, H2O। ये हल्का जल हो गया H2O और भारी जल D2O हो गया, क्योंकि ये हल्का हाइड्रोजन। वैसे पानी का सूत्र H2O है, पानी में हल्का हाइड्रोजन ज्यादा रहता है, भारी हाइड्रोजन भी इसमें कुछ पाया जाता है वो कम रहता है। समभारिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो बार्स, आइसो माने इक्वल, बार्स माने वेट, इक्वल वेट यानी जिनके परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो वे समभारी कहलाते हैं। अब देखिए जैसे आर्गन 18, आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40, इनमें देखिए तीनों में क्या ये तीनों समभारिक हैं? आर्गन का परमाणु भार 40, पोटेशियम का परमाणु भार 40, कैल्शियम का परमाणु भार 40। परमाणु भार तीनों के समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक 18 है आर्गन का, 19 है पोटेशियम का, 20 है कैल्शियम का, ये भिन्न। समझ में आया? तो आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम ये तीनों क्या हैं? समभारी हैं।